देख रहे हैं सीएमएन न्यूज, मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। गाजियाबाद शहीद स्मारक स्थल मेट्रो पर सुबह से उस समय लंबी लंबी कतारें लग गई जब से दिल्ली गवर्नमेंट का आदेश आया है 50% यात्री ही मेट्रो में सफर कर पाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। उसी को लेकर मेट्रो स्टेशन के अंदर लोगों को एक साथ प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिल रही है। केवल 50 लोगों को एक बार में मेट्रो स्टेशन में जाने की अनुमति मिली है, जिसके कारण आज लोगों की लंबी लंबी कतारें मेट्रो स्टेशन के बाहर देखी जा सकती हैं। वहीं दूसरी ओर बहुत से यात्रियों का यह आरोप है कि मेट्रो स्टेशन पर मौजूद सुरक्षा कर्मी अपने व्यक्तिगत जानने वालों को साइड से जाने की अनुमति प्रदान कर रहे हैं। गाजियाबाद से इंद्र शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम साहब सिंह है जी। सर माजरा यही है भाई, पब्लिक को परेशान करने का मान रहा है। अब ये समझ के खड़ी है, इससे कोरोना नहीं फैलेगा क्या? हमें क्या मेट्रो के अंदर ही कोरोना फैलेगा? अब मैं 1.5 घंटे से खड़ा हूँ यहाँ पे, मेरे 11 बजे पहुँचने का समय है, अब मुझे 11:05 ही हो गई, मैं वहाँ जाके क्या करूँ? भीड़ लगी क्यों है, किस कारण से लगी? ये कोरोना की वजह से है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने कह दिया है कि 50% क्षमता के साथ मेट्रो चलेगी, इस वजह से भीड़ है। 1.5 घंटा हो गया सर मुझे खड़ा हुआ यहाँ। 1.5 घंटा हो गया, हाँ। काफी परेशानी हो रही होगी। परेशानी पूरी है सर, आपके सामने है, आपके सामने पब्लिक देख लो। आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं इसके लिए? ये कहना चाहते हैं या तो इसको बंद कर दें भाई, पब्लिक अपने वाहन से जावे। कोई इसको नहीं बता सकता माजरा, आपको ही पता होना चाहिए क्या माजरा है, मैं नहीं बोल सकता, मेरा डिलीट कीजिए आप। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।